दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज मैं आपको बताने वाला हूं VI नो नेटवर्क प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें। VI नो नेटवर्क की प्रॉब्लम हर एक स्मार्टफोन में इन फ्यूचर में देखने को मिल रही है। आई थिंक अगर आपके एरिया में भी VI के अंदर नो नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपरली नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो उसको कैसे फिक्स करें, कैसे ठीक करें, कैसे सही करें, इसके लिए दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए ये एक यूनिक एंड बहुत ही शानदार मेथड मैं आपको बताऊँगा, जिसको फॉलो करते हुए आप वोडाफोन आइडिया की नो नेटवर्क प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया में नो नेटवर्क की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन पर सेटिंग के अंदर जाना होगा। सेटिंग के अंदर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपके फोन का सेटिंग्स ओपन होगा और सेटिंग के अंदर आपको कनेक्शन सेटिंग पर जाना है। कनेक्शन सेटिंग पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके फोन का कनेक्शन सेटिंग्स यहां से ओपन हो जाता है। कनेक्शन सेटिंग के अंदर दोस्तों एक ऑप्शन होता है मोबाइल नेटवर्क का, मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पर हमें जाना है। मोबाइल नेटवर्क पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको रोमिंग डेटा को यहाँ से ऑन कर लेना है और यहाँ पर 5G को आपको ऑन कर लेना है, दोनों में 5G रखना है। नीचे नेटवर्क ऑपरेटर पर आपको जाना है और नेटवर्क ऑपरेटर अगर आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक है, इधर भी ऑटोमेटिक है, तो इसको आपको यहाँ से ऑफ़ करना है और यहाँ से आपको मैनुअली नेटवर्क ऑपरेटर को सेलेक्ट करना है। अगर जिस एरिया में क्या होता है आपके वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क यहाँ पर प्रॉपरली नहीं आ रहा है, तो जिस भी सिम का नेटवर्क आपके प्रॉपरली आए, जैसे हमारे यहाँ पर रिलायंस का आ रहा है और उसके बाद में यहाँ पर जियो का आ रहा है, अब भाई एयरटेल का भी प्रॉपरली नेटवर्क नहीं आ रहा है और अदर सिम का भी नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में अगर हम चाहें तो यहाँ पर रिलायंस का ले सकते हैं। तो रिलायंस से आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करके नेट चला सकते हैं या फिर आप जियो का नेटवर्क कनेक्ट करिए। जैसे ही आप ये नेटवर्क कनेक्ट करके चलाएंगे आपके फ़ोन के अंदर कम्प्लीटली फुल ऑन नेटवर्क आ जाएगा और आप अनलिमिटेड इंटरनेट यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे और साथ ही आपके फ़ोन में नो नेटवर्क की प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगी। दूसरी बात होती है यहाँ पर आप इसको ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके भी रख सकते हैं, ऑटो सेलेक्टेड करके रखेंगे तो भी आपके नो नेटवर्क का इश्यू फिक्स हो जाएगा। बट अब आपके नो नेटवर्क प्रॉब्लम कैसे आ रही है, क्या आपकी सिम के अंदर ही आ रही है या आपके एरिया में किसी की भी वोडाफोन आइडिया में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, अगर आपके में ही नो नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपके जो सिम है उस सिम को आपको नजदीकी रिटेल ऑपरेटर के पास जाना है और वहां से सिम को आपको रिप्लेस कराना है, नई सिम लेना है और आपके नो नेटवर्क की प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। या फिर गाइस आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना है नो नेटवर्क प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। आपको क्या करना है, आपके फ़ोन में अगर नो नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको दोस्तों एक बेनिफिट और यूज़ में ले सकते हैं आप, कि आप अपने फ़ोन के अंदर नो नेटवर्क की प्रॉब्लम के लिए आपको जाना है नज़दीकी मोबाइल रिपेयर वाले के पास, वहाँ जाकर आपके फ़ोन की IC जल गई तो आप नई IC को रिप्लेस कराइए, आपकी नो नेटवर्क की प्रॉब्लम वैसे फिक्स हो जाएगी। दोनों ही रीज़न है, दोनों में अगर आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती तो फिर आपके मोबाइल के अंदर ही ये प्रॉब्लम है तो वो दोनों ही फिक्स हो जाएगी। इस तरीके से आप नो नेटवर्क को फिक्स कर पाएंगे। आई होप गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं अपने ही चैनल के जरिए लाता रहता हूँ, जो बहुत ज़्यादा काम की रहती है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। तो आप हमारे चैनल की ये वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास जरूर पहुँचाएँ। ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।